नमस्कार साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच कुछ बेसिक डिफरेंस के बारे में। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक पृथक राज्य बना। उत्तराखंड राज्य बनने का जो मूल कारण था वो था पहाड़ी क्षेत्रों की अनदेखी। क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, इसकी भौगोलिक संरचना, इसकी संस्कृति और इसकी भाषा मैदानी क्षेत्रों से बिल्कुल डिफरेंस है। यही कारण था कि अपनी एक अलग पहचान बनाए रखने के लिए उत्तराखंड राज्य की मांग उठी। तो चलिए जानते हैं उत्तराखंड अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की स्थिति आज उत्तर प्रदेश की तुलना में कैसी है और अलग राज्य बनने के बाद फायदा हुआ या नुकसान, ये आप ही डिसाइड करना इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या की। तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो है 1,86,000, जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो है लगभग 20 करोड़। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी जितनी जनसंख्या है कई देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से भी कम है। बस आप इतना समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग पाकिस्तान के बराबर है। अब बात करते हैं जीडीपी की। तो उत्तराखंड की जो जीडीपी है वो 2.45 लाख करोड़ की है, यानी कि 34 बिलियन डॉलर की। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी 15.42 लाख करोड़ की है, यानी 220 बिलियन डॉलर की। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। तो उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 1,98,700 रुपये और उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 61,351 रुपये। यानी कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है वो उत्तर प्रदेश से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति आय किसी राज्य का वो मानक होता है कि यहाँ पे हर व्यक्ति लगभग कितनी अर्निंग कर रहा है। तो अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय भारत में बहुत अच्छी कह सकते हैं। इसके बाद आप बात करते हैं पर्यटक स्थलों की। अगर पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा पर्यटक आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा पर्यटक आते हैं, लेकिन ये काफ़ी एक बड़ा राज्य है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक स्थल हैं, तो इस कारण से उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा पर्यटक आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ फेमस पर्यटक स्थलों के बारे में। तो उत्तराखंड के फेमस पर्यटक स्थल हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, औली, देहरादून, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये उत्तराखंड के मुख्य पर्यटक स्थल हैं। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्य पर्यटक स्थलों की तो उसमें है ताजमहल, आगरा का किला, महबूब बाग, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, झांसी, अयोध्या, ये सब उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जबकि उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की अभी स्थायी राजधानी डिसाइड नहीं हुई है, इसका भविष्य में या तो गैरसैंण में राजधानी होगी या देहरादून में। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर, जबकि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 2,43,290 वर्ग किलोमीटर। यानी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से काफ़ी बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। अब बात करते हैं शिक्षा दर की। तो उत्तराखंड की जो शिक्षा दर है वो है 78.8%, जबकि उत्तर प्रदेश की शिक्षा दर है 67.68%। यानी शिक्षा के मामले में भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा आगे है। अब जानते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की कुछ टॉप सिटीज़ के बारे में, जो यहाँ की प्रमुख सिटी हैं। तो उत्तराखंड की हैं देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, मसूरी, रानीखेत, लैंसडाउन, रुड़की, पिथौरागढ़। जबकि उत्तर प्रदेश के जो मेन शहर हैं वो हैं लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, नोएडा, झांसी, मथुरा, अयोध्या, वृंदावन, फतेहपुर सीकरी, सारनाथ और फिरोजाबाद। ये यहाँ की कुछ टॉप सिटीज़ हैं। अब बात करते हैं सीमाओं की, कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पर सीमा स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की सीमाएं 2 राज्यों और 2 देशों को स्पर्श करती हैं। इसकी सीमा नेपाल और चीन देश को स्पर्श करती है, जबकि भारत के राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्यों और 1 देश को स्पर्श करती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है इसलिए इसकी सीमा भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है और नेपाल को भी स्पर्श करती है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। तो अगर लिंगानुपात की बात की जाए,
यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं इन राज्यों में रहती हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 है, जबकि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। यानी लिंगानुपात के मामले में भी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से आगे है। लिंगानुपात भी वो मानक होता है जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी वहां पर महिलाएं हैं, उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लिंगानुपात निकाला जाता है। भारत के अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो भारत का लिंगानुपात है 943। तो आप इससे देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड का लिंगानुपात है वो भारत का जो एवरेज लिंगानुपात है उससे ज्यादा ही है। अब बात करते हैं अपराध दर की। तो उत्तर प्रदेश में अपराध की संख्या उत्तराखंड से कहीं ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का नाम अक्सर समाचारों में किसी न किसी घटना के लिए आता ही है। वहीं उत्तराखंड एक शांत और सुखी राज्य है, यहाँ पर अपराध की बहुत ही कम घटनाएं सुनने में आती हैं। अब बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, कि कौन से राज्यों की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अगर सबसे पहले बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और दूसरी है संस्कृत, जबकि उत्तर प्रदेश की पहली है हिंदी और दूसरी है उर्दू। अब इसके बाद बात करते हैं वन क्षेत्रों की। तो उत्तराखंड में जो वन क्षेत्र है वो है लगभग 65% और उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र है लगभग 7%। तो वन क्षेत्रों के हिसाब से भी उत्तराखंड काफ़ी ज़्यादा आगे है। और वैसे भी जो पहाड़ी राज्य होते हैं और जो मैदानी क्षेत्र वाले राज्य होते हैं उनके पहाड़ी क्षेत्रों में डिफरेंस होता ही है। अब जानते हैं इन दोनों राज्यों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और यहाँ से गंगा यमुना जैसी नदियाँ निकलती हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी यहीं उत्तराखंड में स्थित हैं। इसके अलावा नैनीताल, मसूरी, औली, चोपता, मुनस्यारी ऐसे कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं जहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं। यहाँ पर भारत का सबसे ऊँचा डैम भी है जो है टिहरी डैम, और भगवान शिव का सबसे ऊँचाई पर स्थित तुंगनाथ मंदिर भी यहीं उत्तराखंड में ही है। यहीं पर देश का पहला नेशनल पार्क भी है, कार्बेट नेशनल पार्क, और यहीं पर भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी है। यहाँ गौरा देवी जैसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन से पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बिछेंद्री पाल भी यहीं की है। ये सभी खासियत हैं उत्तराखंड की जिनकी वजह से उत्तराखंड जाना जाता है। और अब बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से अधिक है और इतनी आबादी पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक पूरा महाद्वीप है, इसकी भी पूरी आबादी 20 करोड़ नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं, और उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म का भी प्रमुख स्थान रहा है। भगवान राम का जन्म स्थान भी यहीं अयोध्या में है, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान भी यहीं मथुरा में है। गौतम बुद्ध ने भी अपना पहला उपदेश यहीं सारनाथ में दिया था, और यहीं 1857 की क्रांति का पहला सैनिक विद्रोह भी यहीं मेरठ में हुआ था। इसके अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी यहीं की थी। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जो इसको भारत में एक अलग पहचान दिलाती है। तो आप इन राज्यों के बारे में क्या सोचते हैं? उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में से कौन सा राज्य बेहतर है और किस चीज़ के लिए बेहतर है, वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।